रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रोशे आर्ट चैनल। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत और आसान से आपको क्रोशे से पायल बनाना बताऊंगी, जो कम टाइम में आप रेडी कर सकती हैं। और इस पे कितना खर्च आएगा इसकी डिटेल भी मैं आपकी उस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इस तरह की आप सिल्वर कलर के थ्रेड की लच्छी ले लें, और इस तरह के घुंघरू भी आपको जो एम्ब्रॉयडरी शॉप होती है उस पर बआसानी मिल जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मल्टी कलर का मैंने बटन भी ले लिया, आप चाहें तो सिल्वर कलर का बटन भी यूज़ कर सकती हैं, तो चाहें तो आप इस तरह से थोड़ा डिफरेंट भी यूज़ कर सकती हैं। 7 नंबर का मेरा यहाँ पे क्रोशा है, 7 नंबर का मैंने पतले वाला क्रोशा ले लेना है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की आसान और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी आप जाके मेरे चैनल को ओपन करें, यहाँ पे देखें, या बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखी हैं। और पिछले दिनों मैंने एक क्रोशे मास्क भी बनाया है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, और उसका इलाज भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो अब अगर आपने वो वाली मिस कर दी है वीडियो तो ज़रूर जाके वो वाली वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप मेरे चैनल पे मज़ीद कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो वो भी मैं ज़रूर आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से थ्रेड को निकाल के थोड़ा सा कट कर लिया है, कट करने से बआसानी हमारे घुंघरू इसमें चले जाएंगे, हमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पर मैंने 23 घुंघरू डालने हैं इस थ्रेड में। मैंने यहाँ पर जो मैं चेन बनाऊँगी वो 55 होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 23 हमने घुंघरू डालने हैं। उसको मैं जो मेरी 55 चेन है उसको मैं डिवाइड करूंगी तो वो मेरी 23 बनेगी, 22.5 बनेगी, तो उसको मैं 23 इस तरह के घुंघरू डाल लूँगी। ठीक है, धागे को मोड़ने के बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे सबसे पहले, और चेन बनाएंगे, सिंपल चेन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैं 55 चेन लूँगी, आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग चेन रखें, इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं, इससे कम भी रख सकती हैं, आप अपने हिसाब से चेन बनाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी 55 चेन ली हैं, और इसे चेन को डिवाइड करने से मैंने 30 इसमें इस तरह के घुंघरू डाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 3 चेन जो है स्किप करने के बाद देखें, जो 4 चेन है उसमें हम डाल के इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन हमने स्किप करनी है, और चौथी चेन में हमने क्रोशे डाल के इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा थ्रेड जो है बहुत ही शाइनिंग वाला है और थोड़ा सा टाइट है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पायल की लुक आएगी। और इस पे एक पायल जोड़ी पे कितना खर्च आता है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हम पीछे की साइड पे इसने घुंघरू को नीचे डालते हुए नीचे की साइड पे कर लेंगे, और इस तरह से अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे, यानी हर चेन में डबल क्रोशा बनाना है। मैंने अपने चैनल पे बहुत ही खूबसूरत सी बालियां भी इस तरह के थ्रेड से बनाना बताई हैं, तो मेरे चैनल को आप टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, आप वहां पे जाके इस सिल्वर थ्रेड से मैंने खूबसूरत सी बालियां भी बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए मेरा पूरी रो जो है मैंने इस तरह से डबल क्रोशे की कम्प्लीट कर लेनी है। यहाँ पे मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक चैन लेंगे हम और इसे दूसरी साइड पे इस तरह से मोड़ लेंगे, और नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से नीचे की साइड पे सरकाते हुए मोती को यहाँ पे लगा देंगे हम बीच में, एक चैन लेके हम, ठीक है, एक चैन लेंगे इसके ऊपर से, और नेक्स्ट स्टिच में हम इस तरह से क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। आप चाहें तो हर स्टिच में इस तरह से घुंघरू लगा सकती हैं, चाहें तो बीच बीच में आप इस तरह से सिंगल क्रोशे का गैप दे सकती हैं।
फिर से हम यहाँ पे इस तरह का घुंघरू लगा देंगे और यहाँ पे हम बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक घुंघरू इसमें डाल लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगी हमारी पायल और बिल्कुल रियल लुक देती है। इस तरह का जो थ्रेड होता है सिल्वर कलर में जो थ्रेड होता है बिल्कुल रियल लगता है। मैंने जब खुद बना के इसे यूज़ किया तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि आपने कब ये बनवाई हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने थ्रेड से बनाई हैं, क्रोशे से बनाई हैं। तो मैंने काफ़ी सारी मुझे ऑर्डर भी हुए कि आप हमें बना के दें, तो मैं भी आप लोगों को यहीं गाइड करूँगी। अगर आप खुद भी बना के यूज़ करें और फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करें तो अच्छा आइडिया है और आप इसे सेल भी कर सकती हैं बना के। जहाँ पे क्राफ्टिंग सामान हैंडीक्राफ्ट का सामान सेल होता है आप वहाँ पे बात करके आप इस तरह से बना के सेल कर सकती हैं। मैंने इस थ्रेड में सिल्वर थ्रेड में और भी बहुत सी चीज़ें बना के अपने चैनल पे डाल रखी हैं। मैंने खूबसूरत सी बालियाँ भी बनाई हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी वीडियोज़ हैं। आप जाके ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें मेरी वीडियोज़ को, ठीक है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी मेरी पायल रेडी हो चुकी है। दो हमने यहाँ पे लास्ट पे हम चार चेन बनाएंगे। इस तरह से चार चेन बनाने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ये चेन हमने बटन लगाने के लिए बनाई है तो यहाँ पे देखें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने बटन भी लगा लिए हैं मल्टी कलर में तो बहुत ही खूबसूरत सी वायल मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम बंद कर लेंगे बटन को इस तरह से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इसका ख़र्च मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो मैंने सिल्वर कलर की थ्रेड की लच्छी ली थी वो मैंने 80 रुपये में ली थी और ये जो मेरे घुंघरू हैं वो मुझे 10 रुपये फी तोला मिला था। तो एक तोले में आप इस तरह से इससे भी कम बनेंगे आपके, तो आपको टोटल हमारा जो एक पायल पे ख़र्चा है दो जोड़ी इस तरह से आप एक ही लच्छी में बना सकती हैं, तो 40-35 रुपये में आप इस तरह की पायल रेडी कर सकती हैं। तो मिलेंगे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।